बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार के नाम से मशहूर रही श्रीदेवी की लव लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2 जून 1996 के दिन उन्होंने उन्हीं बोनी कपूर से शादी रचाई थी जिन्हें वो कभी राखी बांधती थी और जो पहले से शादीशुदा थे। इसके अलावा 2 फिल्मी सितारों के साथ भी श्रीदेवी का नाम जुड़ा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों सितारे भी पहले से शादीशुदा थे। आइए आपको श्रीदेवी की लव लाइफ से रूबरू कराते हैं। श्रीदेवी के अफेयर की चर्चा होती है तो उनका नाम मिथुन के साथ जरूर लिया जाता है। एक वक्त पर मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस वक्त मिथुन शादीशुदा थे। शादीशुदा होने पर भी मिथुन श्रीदेवी के साथ घर बसाना चाहते थे। दोनों कई साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे जिसकी भनक योगिता बाली को भी लग गई थी और उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। योगिता के आत्महत्या की कोशिश वाले कदम से मिथुन बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने श्रीदेवी से बातचीत बंद कर दी जिसका असर ये हुआ कि रिश्ता बेहद खराब मोड़ पर पहुंच गया और आखिरकार टूट गया। इसके बाद श्रीदेवी का नाम जितेंद्र के साथ जुड़ा। दरअसल उस वक्त कई फिल्मों में दोनों साथ नजर आए जिसके चलते उनके अफेयर की अफवाह उड़ने लगी। उस वक्त जितेंद्र भी शादीशुदा थे। ऐसे में जितेंद्र खुद ही श्रीदेवी को घर ले गए और शोभा को हो रही गलतफहमियों को दूर कर दिया। श्रीदेवी की जिंदगी में बोनी कपूर की एंट्री भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बोनी पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी मोना शौरी भी श्रीदेवी की अच्छी दोस्त थी और उनके ही घर में रहती थी। एक वक्त ऐसा भी रहा जब मिथुन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधी थी। जब मिथुन से श्रीदेवी का रिश्ता टूट गया तो वो बोनी कपूर के करीब आ गईं। इसके बाद उनके प्रेग्नेंट होने की खबर आम हुई जिस पर बोनी कपूर ने मोना को तलाक दे दिया और 2 जून 1996 के दिन श्रीदेवी से शादी कर ली। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।